हर गली से, हर नगर से, हर शहर, हर गांव से हाथ लहराते हुए अब लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन नाग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मैंने अपनी जुबां बदली है, ना जज्बा बदला है और ना जज्बात। पिछले वीडियो में हुआ, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं महिलाओं से। अगर मेरी गाली गलौच या आपको बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। एक भाई के तौर पर, एक बच्चे के तौर पर माफ कर दीजिएगा, लेकिन उन गद्दारों से माफी नहीं है, क्योंकि मैंने जो कहा मैं आज भी उसके लिए स्टैंड करता हूं। एंड आप फिर से और 1000 बार बोलूंगा कि जो गद्दार थे उनको वही भाषा समझ में आती है और वही समझाएंगे। पिछले कुछ दिनों से बड़ा हंगामा मचा पड़ा है, सर्जिकल स्ट्राइक, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी चीजें। बात भी कौन कर रहे हैं जिनको ये तक नहीं पता होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक और सब टैक्टिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, उनको इतना फर्क भी नहीं पता है। उनको ये भी नहीं पता है कि सिपाही जो मरे हैं, यार कफनों को तो मत बेचो, वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती ये चमन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, अरे कमबख्तों शहीदों के कफन ना बेच देना, कुछ तो शर्म करो यार। आई नेवर वॉन्टेड टू स्पीक ऑन दिस सब्जेक्ट, बहुत कोशिश की। गुस्सा मेरी क्या दुश्मनी है, कश्मीर में जो आतंकवादी मारे गए हैं उनका बड़ा दर्द है लोगों को, उसके लिए चैनल्स पे डिबेट हो रहा है कि नहीं वो गलत मारेगा, ये हुआ वो हुआ, अच्छा और जो मेरे भाई मरे उनका कौन दर्द लेगा, उनका भी दर्द लीजिए। अभी त्योहार आ रहा है, पूरे साल तो हमारा देश त्योहार मनाता है यार, एक दिन की छुट्टी ले लिया ना सिपाहियों ने, तब आपको समझ में आएगा। 0.32, 0.32, 0.22, 5.56, 7.62, 315, 515, 712, पता भी है क्या होता है, ये राउंड्स होते हैं बुलेट्स के। वो अगर एक दिन की सिपाहियों ने छुट्टी ले ली ना दोस्तों, तो आपको यहां घर में बैठे बैठे पड़ेगा। अगर आप में बहुत दम है, जो इतना बड़ा हंगामा किया, किसी ने कहा कि एक जहां से शुरुआत, 3 मुद्दे हैं जिस पर बात कर रहे हैं और जिसके जवाब मुझे देना पड़ेगा। पहला, सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है। एक बात बताओ, ये तो बात वैसी हो गई कि जिन्हें हम हार समझ बैठे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हम ही को काट खाने को। जिनको फौज ने प्रोटेक्शन दिया, जिनकी फौज ने, जिनके परिवारों की जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे जो आम नागरिक है, जो मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जो इनकम टैक्स भरता है उसकी दम पर जो आपको सुरक्षा दी जाती है, अब वही लोग सवाल कर रहे हैं फौज की डिग्निटी पर। DGMO सर, लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह साहब, उनकी क्रेडिबिलिटी पर तुम जो कुछ बैठे हैं यहां पर वो सवाल उठा रहे हैं, किसकी क्रेडिबिलिटी पर? उस इंसान की जिसने जिम्मेदारी ली उस ऑपरेशन के बारे में आपको बताने के लिए। कुछ लोगों ने एक और मुद्दा बना दिया कि यार हमारे समय पे भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई। सर आपका समय कौन सा था और क्या बात कर रहे हो आप, सर्जिकल स्ट्राइक, ये स्ट्राइक वो स्ट्राइक, आपको पता ही नहीं है पहली बात तो सर्जिकल स्ट्राइक होती नहीं। दूसरी चीज, मान लो मेरे पास हर डिटेल है, हर वो बंदे की मैं आपको डिटेल देता हूं, मैं ये बताता हूं और सुनिए क्या था सर्जिकल स्ट्राइक, कब किया हमने, ठीक है सबको पता है 12:30 से 4:30 के बीच में हुई, कौन सी यूनिट्स इन्वॉल्व थी। माय डिग्निटी डजंट परमिट मी टू डिस्क्लोज द डिटेल्स बिकॉज आप जान के क्या कर लोगे। चलिए एक वो खांसी वाले, फिर वही बात है ना, भाषा फिसलेगी फिर तकलीफ होगी। जो मैं कहना नहीं चाहता, मैंने अपने बड़े भाई को वचन दिया है कि मैं अब उन शब्दों का उपयोग नहीं करूंगा, और भाईजान और जिनको भी मैंने वचन दिया ये बात है, मैं अब नहीं कर रहा हूं, मतलब नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन एक चीज है, गुस्सा अभी भी उतना ही है। आप जब ये वीडियो देख रहे हो ना, अभी भी -50 में और उससे ज्यादा में, और बहुत बड़े बड़े गर्मी के एरियाज में मेरे सिपाही वहां पर लगे हुए हैं। आज भी अभी जब हम बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, वहां पर सिपाही खड़ा है आपके लिए, त्योहार की तैयारी हो रही, दिवाली आने वाली है ना, आपको तो जाके सिर्फ अपनी एंजॉय करना। उनकी सोची, जिनने 15 साल से बच्चा बिचारी आंखों में आंस लेके बैठा है, बीवी आंखों में आंस लेके बैठी है कि कोई सिपाही आएगा। बाद में पता चलता है कि नवरात्रि के आखिरी दिन वो कुछ ऐसे शव थे जो चले गए, उनके घर में लाशें पहुंची हैं। दशहरा आपके लिए कुछ और था, आपके लिए ईद कुछ और होगी, लेकिन उनके लिए रोज मातम मन रहा है। 19 जवानों की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे आप उरी की बात करें, बारामूला की बात करें, द्रास सेक्टर की बात करें, जैसलमेर की आप बात करें, किसी भी सेक्टर की, रोज मौतें हो रही हैं, उसका भी कभी गम शेयर कर लो।
शर्म करो यार, इंसान तो बनो। हर धर्म ये कहता है कि पहले एक अच्छा इंसान बनो। त्योहार आपके लिए आते हैं, उनके लिए नहीं। 90-95% लोग जो लोग हैं वो रात को नौकरी नहीं करते हैं। एक समय के बाद 11-12-1 बजे सो जाते हैं, जब आपकी पार्टी चलती है, जब आप घर से आते हैं। आपका कल्चर ऐसा है, यू विल कम होम एंड यू विल हैव गुड रेस्ट। आप अपनी फैमिली से मिलते, परिवार से मिलते, खुश होते हैं, सो जाते हैं। आपको पता है वो बंदा अपने साथ वालों की लाशें उठा के गुस्सा क्यों है ना, इसका एक जवाब है। घर में मरते हैं ना जब लोग, जब घर में लाशें आती हैं, उरी हो चाहे बारामूला हो, चाहे द्रास हो, चाहे जितने भी सेक्टर्स हैं जहां पर लड़ाइयां चल रही हैं, लीमा सेक्टर है जहां पर कुछ, क्या बताऊं आपको, आपको क्या नॉलेज ही नहीं है। नक्शे में तो पता नहीं होगा जिसके बारे में बैठ के बोल बच्चे ना, आप लोग जो इतना भाषण देते हैं ना चैनल्स पे, आपको पता भी वो सेक्टर कहां पर है? मैप में ढूंढने बोलूंगा 3 दिन लग जाएंगे आपको और आपके खानदान के बच्चों को, क्योंकि आपने उनको दुनिया की बड़ी बड़ी चीजें, न्यूयॉर्क कहां है, न्यू जर्सी कहां है, स्कॉटलैंड कहां पर है, ये पता है बच्चों को। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जम्मू कश्मीर में कितने सेक्टर्स हैं। उनको ये नहीं पता है कि द्रास सेक्टर दुनिया के सबसे ठंडे वॉरफेयर की जोन है, वो नहीं पता उनको। उनको यस प्ले स्टेशन कौन सा नया ये पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारी कौन सी पलटन एडवांस पार्टी जा रही है, क्या कर रही है। आपको डिटेल चाहिए। एक ये तो वही वाली बात हो गई, आपका लेना देना क्या है, पहली बात। आप किस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, डीजीएमओ पर, आप हिंदुस्तानी फौज पर, जिसने आज तक जब से आप आजाद हुए हो आपकी आजादी बरकरार है उसी फौज के कारण, स्पेशली द इंडियन इन्फेंट्री बटालियंस, जो पैदल सेना है वो रोज वहां तैनात है। किसके लिए सर? आप लोगों के लिए, आपके परिवार के बच्चों के लिए, कि वो तफसील से अपनी एंजॉय कर सकें, आप त्योहार मना सकें, आप खुशियां मना सकें। आपके लिए। आप एक सवाल कर रहे हैं कि स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई, अरे पूरी डिटेल दे भी दूंगा। ये तो वही बात हो गई कि गाड़ी के पीछे कुत्ता दौड़ रहा है ना। अगर गाड़ी के मालिक ने गाड़ी रोक के चाबी भी दे दी तो क्या कुत्ता चला पाएगा क्या? तुमको अगर पूरी डिटेल भी दे दी सर्जिकल स्ट्राइक्स की, ठीक है, 2 पैराशूट रेजिमेंट्स उसमें इन्वॉल्व थी, यूनिट्स का नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, उसके नंबर नहीं बताऊंगा, संख्या नहीं बताऊंगा, और आपको बता भी दिए, ठीक है, हमने हमारे ड्रोन 250 किलोमीटर अंदर गए, हमने क्लियर किया, ठीक है। आपने क्या कर लिया इसमें? रिस्क तो यहां पर आर्टिलरी जो बटालियंस थी उनने, रेजिमेंट्स ने किया, रिस्क लिया ऑन पैराट्रूपर्स ने जिनने नीचे उतर के वहां पर ऑपरेशन किया। और आपको क्या तकलीफ हो रही है? लोग कहते हैं कि मुद्दा है दो देशों का, काहे का मुद्दा है भाई? 1956 काहे का मुद्दा है? 1956 उसकी छोड़िए, 1947 में पाकिस्तान का इसमें कोई लेना देना नहीं। पहली चीज है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हमारे ही एरिया में हमने कार्रवाई की फौज में, इसमें इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया, ठीक है। और एक बड़ी चीज है जो एवरी इंडियन शुड नो, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप कहते हैं ना खून, फौज यार, भाई मरे मेरे भाई गए हैं। अगर मैं कहता हूं भारत माता मेरी माँ है, हर वो इंसान जिसकी ये माँ है ना ये देश, उसका भाई मरा है और मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, जिम्मेदारी लीजिए, उनका भी दर्द शेयर कीजिए। कश्मीर में मरने वाले उन टेररिस्ट का आप लेते हैं ना, बहुत आपको उनसे सहूलियत। एक मिनट, इस्लाम के नाम पर आतंकवादियों को मत थोपो, एक बहुत अच्छी चीज है। कुछ लोगों को रोका गया और वहां पर एक आतंकवादी ने उस परिवार से पूछा, वो परिवार जो था वो हिंदू परिवार था, उससे पूछा, आतंकवादी ने बोला कि बोल तो कुरान की एक हदीस पढ़ के बता, तो कुरान शरीफ के बारे में कुछ बता। उसने 2 लाइन पूछी, उसकी पत्नी ने पूछा कि अरे आपने तो कुरान का नहीं बोला, आपने तो हमारे एक जैन धर्म का कुछ बोल दिया। उसने एक बात बोली, उसने अपनी बीबी से एक बात बोली उस इंसान ने, कि इनने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि अगर इनने कुरान शरीफ पढ़ा होता तो ये आतंकवादी ही नहीं बनते। जिसको कुरान शरीफ पता है, जिसको, अरे किसी धर्म की बात मत करो, मजहब की बात मत करो, देश पहले आता है यार, इसकी बात करो। और जब बदले की बात आती है, सुनो, वही 2 रेजिमेंट्स हैं, वही 2 यूनिट्स थी, उन्हीं की घातक यूनिट्स ने घुस के अपनी रेजिमेंट्स के बंदों को बदला लिया और वहां जाके मारा। आप हमारे मारते रहोगे, हमारे बंदों का खून नहीं खोलेगा, खून वहां नहीं खोलता है, शहादत से खून नहीं खोलता है फौज का, फौज का खून खोलता है जब देश के अंदर बैठे गद्दार सवाल करते हैं यार उस वर्दी पर जो लहू से सींचा इस तिरंगे को, उस पर सवाल करते हैं। और कौन कर रहा है? वो एक बेवकूफ ने बोला खून की दलाली, आहा, खून की दलाली वाला एक सेंटेंस आया बहुत सारा, उसके लिए सिर्फ इतना जवाब है। बट इसको सीरियसली क्यों लेते हो इस देश में? आज तक नहीं समझ में आया इस आदमी को, क्यों ऐसे लोगों को ऐसा है। मैं शहीदों के नाम गर्व से लेता हूं, ऐसे गद्दार और मक्कारों के मुंह से नाम भी नहीं लेता हूं। स्ट्राइक की हां, सैटेलाइट अलग लेवल पर सेट किया गया है, उसको लोअर ऑर्बिट पर सेट किया गया, बहुत सारी ऐसी डिटेल्स है जो बता दूंगा, लेकिन मेन चीज ये है कि तुमको क्या करना,
फर्स्ट थिंग, इफ आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट सर्जिकल स्ट्राइक, इट मींस देयर इज अ डाउट व्हिच आई डोंट हैव बिकॉज आई नो दैट ऑल द फैक्ट्स आई डोंट वांट टू शेयर विद यू. रीजन, आप जान के क्या कर लोगे? आपका काम सिर्फ इतना है कि फौज जो कह रही है उस पर भरोसा करें, क्योंकि अगर फौज पे भरोसा नहीं है, ओके. दो चार बड़े बड़े लोग के डिबेट में और कहीं पर भी मेरे को एक क्लिप आई थी, मैंने देखा, वो कहते हैं कि हम भरोसा किसी पे नहीं करते. अच्छा, एक सवाल है, अपने बाप का डीएनए टेस्ट करवाया अपने पिताजी का? नहीं करवाया. बेवकूफ इंसान, मां ने कह दिया ना तेरा बाप है तो उसको आज तक बाप मान के बैठे हो. इसका मतलब यह है कि आप खुद गलत चीज पे भरोसा कर रहे हो. फौज जो है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं देश का बाप नहीं है, क्योंकि देश का बाप कोई नहीं हो सकता. कोई भी इस देश का बाप नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि इस देश को हम मां कहते हैं, और जब हम भारत माता की बात करते हैं तो उसके सच्चे सपूत आज भी वहां लड़ रहे हैं. जरा उनका भी पेन शेयर करना बहुत जरूरी है. आप वहां पर बैठ के बोल बच्चन, 3 दिन के लिए मीडिया जाता है जब शहीद होता है, 3 दिन के लिए कुछ ऐसे इस देश के बड़े बड़े ऐसे चैनल, पता नहीं उनका आज तक समझ में नहीं आया, उनको आज भी ये टेररिस्ट को पत्थर फेंकने वाले, सिपाहियों को मारने वाले मासूम लगते हैं. सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और 1000 बार होगी, बट पहले नहीं हुई है. आपको ये पता है? इनके बीच का डिफरेंस आपको नहीं पता है. सर्जिकल स्ट्राइक इज वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेशंस व्हिच आर सिंक्रोनाइज्ड फ्रॉम द कैपिटल ऑफ अ कंट्री. इस देश के हाईएस्ट लेवल पर बैठ के सर्जिकल स्ट्राइक होती है. ये कंपनी लेवल का नहीं है, सब टेक्निकल ऑपरेशन जो अगर हुआ है वो होती है, विच कीप्स गोइंग ऑन. पाकिस्तान के साथ हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, और वही वाली बात ना, सत्ता में मरता सिपाही है, आज भी लाशें आ रही हैं. आप लोग ना बोल के, प्रॉब्लम ये है, आप लोग बोलते हो उसके बाद मुकर जाते हो. आर मिस्टेक्स डू नॉट हैव सेकेंड चांस, आर मिस्टेक्स कम बैक इन बॉडी बैग्स. लाशें तिरंगे में लौट कर वापस आती हैं. और इंजेक्शन जो लोग कहते हैं इस बारे में, इन लोगों की क्या बोलूं मैं, अब गाली की भी बेइज्जती है तुम्हें गाली देना, ये है एक प्रॉब्लम. आपको जो लोग ये सवाल कर रहे हैं, सब टेक्टिकल रेड्स और सर्जिकल स्ट्राइक्स, वेल सिंक्रोनाइज सर्जिकल स्ट्राइक्स, सब टेक्टिकल रेड्स, कोवर्ट ऑपरेशंस, इन सब के ऊपर देर देर दो दो घंटे बता सकते हैं, और इस ऑपरेशन की भी एक एक डिटेल दे सकते हैं. बट द बिगर क्वेश्चन इज किसको एक्सप्लेनेशन किसको दिया जाए. बात यही हो गई, 10 कुत्ते चिल्ला रहे हैं कि शेर ने शिकार कैसे किया. क्या यार, आपका कोई लेना देना नहीं. सवाल वो लोग कर रहे हैं जिनके घर में नौकर लगे हुए हैं जूते पॉलिश करने के लिए. आप सवाल कर रहे हैं किससे? वाह, गल्ला दे बड़ी वधिया गिर दी यार, कुतिया दी जड़ो गल, एक अपना कुतिया दी फौज कट्ठी करके गल्ला कर रहे ने कि शेरां दे लाई. उन्हां दा प्रूफ चाहिए, शेरां दा शिकार किहड़ा कीता ने, और थोड़ी औकात की सी पूछण दी. ओए तुम लोग हो कौन भाई? आपको प्रोटेक्शन, अच्छा आपको भरोसा नहीं है फौज पर, अपना प्रोटेक्शन हटा दो. है दम तुम्हारी, है दम आप में, हटा दीजिए प्रोटेक्शन, तब समझेंगे बहुत बड़े जिगरे वाले हैं. वाह यार, खुद सोचिए, जिनके आप प्रोटेक्शन में, जिनके क्वाड्रन में आप चलते हैं, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं. नाउ एक और बड़ी बात है इसमें. पहली चीज तो ये, द डे इट वॉज एक्सप्लेन टू द मीडिया, जिस दिन ये चीज DGMO ने बता दी, उस दिन ये टॉपिक खत्म था, क्योंकि आप उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट क्वेश्चन द चीफ ऑफ द स्टाफ. आज आप जनरल सर जनरल दलवीर सिंह साहब के बारे में, उनके डिसीजंस के बारे में आप सवाल कर रहे हैं. यू आर नॉट द चीफ एंड यू आर नॉट वेयरिंग द यूनिफॉर्म, यू डू नॉट हैव द राइट इवन टू स्पीक. हाँ यार, आप खुश शर्म करो, आप अपने देश, आप बोलते सर्जिकल स्ट्राइक्स की डिटेल्स दे दीजिए. ठीक है, आप क्या पाकिस्तान के एजेंट हो, ISI के एजेंट हो? बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च, डू यू नो दैट वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड ऑल द एलीट स्पेशल फोर्सेस, दे आर डिस्कसिंग अबाउट दिस. क्योंकि एक ऐसा ऑपरेशन था जो कानों कान कवर नहीं हुई. ठीक है, NDRO सैटेलाइट्स का यूज होता है उसमें, यू डोंट नो, UAV आर्टिलरी एयरक्राफ्ट, इन सब चीजों का यूज होता है. उसके बाद बहुत सारी टेक्टिक्स हैं जो सिविल में नहीं आना चाहिए, पहली चीज. दूसरी चीज, जो दुश्मन को तो बिल्कुल भी नहीं पता होना चाहिए, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि पूरा एक डॉक्यूमेंट्री बन जाए, मूवी बना रहे हैं नालायकों. खुद की बुद्धि है, यही फर्क होता है. अनपढ़ों को, गधों को आप जाकर वहां राज गद्दी पर बिठाएंगे तो यही प्रॉब्लम होगा. बट एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल, इंक्लूडिंग मी, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज दीज गाइज हैव बीन चोजन बाय अस. अब आप भुगतिए. बड़ी बात ये यार, आप चरित्र पर, यू आर क्वेश्चनिंग द कैरेक्टर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. आज तक सबसे बेदाग और सबसे साफ पाक है वो,
क्योंकि जितनी बार जरूरत पड़ी है ना, हर बार ये अपनी पूरी कुव्वत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, शहादतों के साथ हर बार आपको बचाए, इस देश को बचाए, इस देश का सम्मान बचाए। और इस बार भी जब सोते हुए सिपाहियों को मारा गया, पूरे देश का सम्मान, यूनिफॉर्म की इज्जत, वर्दी, नाम, नमक और निशान, इन तीनों को फिर से प्रूव किया हिंदुस्तानी फौज ने। लेकिन उस पर सवाल मत कीजिए, क्योंकि जब आप ये सवाल करते हैं तो आप दुश्मनों की टीम में, आप भारत की टीम में तो नहीं हो सकते हैं, आप भारतवासी नहीं हो सकते हैं अगर आप फौज पर एक भरोसा नहीं करते हैं। तो ये प्लीज एक विनती है कि इस देश को मत बांटो। एक तो हम हिंदू मुस्लिमों में लड़े पड़े रहते हैं, धर्म में, जाति में, हर में, अल्लाह वालों, राम वालों, अपने वतन को, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। अरे मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, जो नफरत से टूटे हैं वो घर तो बना लो, और एक ही रहने दो शहीदों का तिरंगा झंडा, रोज नए झंडे में नया डंडा फंसाने वालों। वतन को एक रहने दो, मिलकर जियो यार, युवाओं को एक डायरेक्शन दो, उनको नफरत मत पैदा करो इस देश के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान इससे इस देश का होगा। न मंदिर जानता है, न शिवाला जानता है, न मस्जिद जानता है, न शिवाला जानता है, जो भूखा है बच्चा वो निवाला जानता है। इस देश में ऐसा माहौल बनाओ कि सबको रोजगार मिले, भारत साफ रहे और लोगों को रोजी रोटी मिले। यार देश के बारे में सोचो, उसकी तरफ आगे बढ़ो, कम से कम उनका तो दिल मत तोड़ो जो लाखों बच्चे आज मेहनत कर रहे हैं फौज में जाने के लिए, क्योंकि उन्हें आज भी लगता है और यह सच्चाई है कि फौज एक डिग्निफाइड यूनिट है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिस पर आप सवाल कर रहे हो, अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या आपकी क्रेडिबिलिटी है वो सवाल करने की। अगर नहीं है तो प्लीज कुछ नहीं दे सकते हो यार, फौज तुमसे कुछ नहीं मांगती है, वो अपना घरबार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर वहां बैठे तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारे, तुम्हारी ईद मने, तुम्हारा दिवाली मने, तुम्हारी एक बड़ा दिन मने, तुम्हारे त्योहार मने, वो अपना घरबार छोड़कर बैठे हैं। उन्हें सिर्फ एक चीज दो, कम से कम उन्हें इज्जत दो यार, वो इतना तो हक है हिंदुस्तानी फौज को कि उनको इज्जत दो, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप नहीं दोगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बगावत हो जाए, क्योंकि बस मैं बात नहीं कर, इस पर बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन खुद सोचो, लोग कहते ना आर्मी रूल आ जाना चाहिए, सबसे बदतर होगा अगर आ गया तो, जिनकी आदत है ना खुले में मूतने की और थूकने की, अगर फौज का रूल हुआ तो ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं, मैं बात नहीं करता हूं। कई लोगों ने बोला सर एक्टर्स के बारे में, अबे इधर देश की हालत खराब है, क्या बोलूं, इनकी कौन सी, कितनी बड़ी, इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी कि यहां शहीद हो रहे हैं, यहां लाशें आ रही हैं घरों पर लौट के, इनकी बात ना करके हम इनकी बात करें। ये हीरो पीरो इन लोग की छोड़ो यार, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखते ये लोग, पहली बात तो जिंदगी में भी नहीं रखते, और इस देश में इतने से होंगे अपने घर की सेलिब्रिटी, मैं भी बहुत सारों को जानता हूं बहुत अच्छे से, लेकिन उनको उतना ही सीरियसली लो। असल हीरो और असल जाबाज और असल योद्धा कौन है, जो इस देश के लिए यहां छाती सामने करके ना वहां खड़ा हुआ है बॉर्डर पे तुम्हारे लिए, उसकी इज्जत करो, कुछ नहीं दे सकते हो इज्जत दो। दूसरा, वो खांसी वाले कुत्ते ने भी कुछ बीच में कुछ बोला, सॉरी कुत्ते की बेइज्जती हो जाएगी, उसने भी कुछ बोला खांसी वाले ने, बहुत सारी चीजें, कि अरे सबूत, सारे काम करो, सबूत चाहिए ना, एक दिन की एक रेजोल्यूशन पास करो जिसमें एक दिन फौज आपकी जिंदगी जिए, और आप बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े बोल वचन वक्ता बनते हो, आप जाके जरा वहां पर जो बड़े प्रोफेशनल्स हैं, बड़ा एलिगेंट बात करते हैं, जाओ जरा एक दिन की नौकरी करो, कहां कहां से धुआं निकलेगा ना वो बताने की जरूरत नहीं है, खुद एक्सपीरियंस करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।